अगर कोई हमसे संपर्क करता है और मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बांग्लादेश भेजना है तो एजुकेशन एब्रॉड द बेस्ट है। मेरा नाम रामजी राय है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जब टेंथ करने के बाद इन्होंने बायोलॉजी भी रखा और मैथ भी रखा, मैंने इनसे बोला, अपने बच्चे से बोला कि या तो मैथ रखो, इंजीनियर बनना है तो मैथ रखो, और डॉक्टर बनना है, कुछ मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो बायोलॉजी रखो। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में 12वीं के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या कर पाएंगे। फिर बाद में ये लगा कि समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, मेडिकल के क्षेत्र में जाकर, ग्रामीण इलाके में जाके, कभी डॉक्टर बनेंगे तो ग्रामीण इलाके में जाके वैसे लोगों की मदद करेंगे जिनके पास पैसे नहीं है या पैसे के चलते उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम मदद करेंगे। वैसे गार्जियन जो पैसे के चलते बच्चे को नहीं बाहर नहीं भेज पाते हैं, इंडिया में सीट नहीं मिला, इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, हम उनके लिए यही सजेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मैनेज करें और बच्चे को बाहर भेजें। बाहर जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए तो बांग्लादेश भेजना बिल्कुल घर जैसा रहा। जैसे जाते समय बच्चे को मैंने कुछ व्यवस्था कर दी, पैसे की व्यवस्था करी, जो हो सकता था कि मतलब सुविधा के लिए ये चाहिए मैंने वो किया। उसके बाद जैसे ही बच्चा वहाँ पहुँचा, पता चला कि इनको पैसे की ज़रूरत है, मैंने तुरंत खबर किया, राहुल जी को खबर किया, राहुल सब अभिषेक सर को खबर किया, उन्होंने अपने पास से वहीं पैसे दिए। बाद में जब पैसे की ज़रूरत पड़ी, जब इनका वहाँ अकाउंट नहीं खुला था, तो मैंने राहुल सर को पैसे दिए, वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए। एक सामान दिया बच्चे को, कपड़े दिया था, वो भी वहाँ पहुँच गए। तो मतलब हमारे लिए तो घर जैसा लगा कि जब ज़रूरत पड़े विद इन ए वीक सामान वहाँ पहुँच जाएगा। इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर कोई हमसे संपर्क करता है और मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बांग्लादेश भेजना है तो एजुकेशन एब्रॉड द बेस्ट है। इनके थ्रू जो भी बच्चे गए हैं या हमारा बच्चा गया है, बिल्कुल सही गाइडेंस में है, सही मैनेजमेंट हुई है, हर जो बात इनसे हुई उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई है या